हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं फिर से एक बार ये सुंदर सा लूपी डिज़ाइन लेके आई हूँ। लूप्स उठा के जो है हमने इस तरह से ट्री शेप में ये जो है पैटर्न जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 3 बार बनाया हुआ है और ये 7 फंदों का डिज़ाइन है। ये सात 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 फंदों पर पड़ा हुआ है और शुरू में मैंने 2 फंदे रखे हुए हैं उल्टे, बीच में 2 फंदे उल्टे रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं और साइड में रखे हुए हैं। तो इस डिज़ाइन को अगर आपको बनाना है तो आपको 9 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद आपको 2 फंदे जो हैं लास्ट के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए, ये जो पैटर्न है वो हम 12 सिलाइयों में कंप्लीट करेंगे। 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है और ये 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न शुरू करने से पहले हम 2 बेसिक रोज़ बना लेंगे और वो बेसिक रोज़ हमारे ऊपर कहीं पे भी रिपीट नहीं होंगी। उसके बाद हमने 12 रोज़ को ही रिपीट करके ये जो है ये ट्री शेप में डिज़ाइन जो है वो बनाते जाना है। ये देखिए, बच्चों के प्रोजेक्ट्स पर ये और लेडीज़ के प्रोजेक्ट्स में ये जो डिज़ाइन पड़ेगा तो बहुत सुंदर बनने वाला है। ये इस पैटर्न को आप जेंट्स प्रोजेक्ट्स पर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो बैक साइड है वो भी बहुत सुंदर बनती जाएगी। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो मैंने लास्ट में 2 फंदे रखे हुए हैं, बीच में 2 फंदे रखे हुए हैं, दोनों साइड्स में रखे हुए हैं, वो मैंने सारे उल्टे ही बनाए हुए हैं। और डिज़ाइन में भी देखिए, हमारे उल्टे फंदे पड़े हैं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है वो एक ही बार एक ही जो है वो यहाँ पे बनाना बताऊँगी, तो यहाँ पे मैंने 9 के मल्टीपल में 9 और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे 11 फंदे लिए हुए हैं एक बार ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अभी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हम 2 बेसिक रोज़ बना लेंगे। तो फ्रंट साइड पे बेसिक रो 1, फाउंडेशन रो 1 बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बनाया, ये साइड के 2 फंदे हैं और उसके बाद देखिए 3 फंदे हमने और उल्टे बनाने हैं। ये डिज़ाइन के फंदे हैं, 1 2 3। अब ये देखिए 5 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे बीच में हमने एक फंदा जो है वो सीधा बनाना है ऐसे को, और उसके बाद 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 7 फंदे जो हैं हमारे बीच के ये पैटर्न में पैटर्न डिज़ाइन के फंदे हैं, 3 ये वाले और सीधे फंदे के दोनों साइड वाले 3 3 फंदे ये डिज़ाइन के फंदे हैं और इन्हें हमने उल्टा बना लिया। अब हम लास्ट में जो 2 फंदे हैं उन्हें भी उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी बेसिक रो 1, फाउंडेशन रो 1 तैयार हो गई। फाउंडेशन रो 2 बनाएंगे, एक फंदा स्लिप किया। अब देखिए जितने फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं वो सीधे बनाएंगे, 4 फंदे। एक फंदे को स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे नज़र आ रहे थे उन्हें हमने सीधा बना लेना है। उसके बाद एक फंदा हमें उल्टा नज़र आ रहा है उसे हम उल्टा बना लेंगे और उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं ऐसे। तो ये हमारी जो है फाउंडेशन 2 फाउंडेशन रोज़ पड़ चुकी हैं, हमने इन्हें ऊपर कहीं पे भी रिपीट नहीं करना है। अब हम पैटर्न की रोज़ को स्टार्ट करेंगे। 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो रो 1 फ्रंट साइड पे देखिए क्या करेंगे, हम साइड के 2 फंदे बना लेंगे, एक स्लिप किया दूसरा उल्टा बना लिया। धागे को यहाँ पे हमने पीछे करना है। अब देखिए ये 3 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इसके बाद सीधा फंदा नज़र आ रहा है। ये इस सीधे फंदे का पहला लूप है, ये दूसरा है और उसके नीचे ये तीसरा लूप है। तो अब हमने 1 2 3 तीसरे लूप में से, ये देखिए इस तरह से देखेंगे थोड़ा सा खींच के, 1 2 3 ये जो होल नज़र आ रहा है तीसरा लूप है, यहाँ पे हम इस तरह से लूप उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे इस सिलाई पे। अब ये लूप और उसके नेक्स्ट वाला जो उल्टा फंदा है उसे हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब 2 फंदे जो हैं नेक्स्ट उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा है बीच का और बाकी इस साइड देखिए सारे के सारे फंदे हमारे उल्टे हैं। 6 रोज़ में हमारा इस साइड पैटर्न ये डिज़ाइन बनेगा, अगली 6 में दूसरी साइड का डिज़ाइन हम डालेंगे। तो बैक साइड की रो 2, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं जो सीधे ही नज़र आ रहे हैं, सीधे बनाते जाना है। और ये उल्टा फंदा हमने एक जो है वो उल्टा बनाते जाना है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें उल्टा नज़र आ रहा है लेकिन हमने इन सभी को सीधा बनाना है और हमारी
बैक साइड की रोज का यही पैटर्न रहेगा, जो बीच में से सीधा फंदा नजर आ रहा है सिर्फ हमने उल्टी साइड पे उसे ही उल्टा बनाना है, बाकी सारे फंदे हमने सीधे बनाने। तो यहाँ पे हमारी दो रोज कंप्लीट होती हैं। अब आते हैं थर्ड रो, फ्रंट साइड पे दो फंदे हम साइड के बना लेंगे, एक स्लिप किया एक उल्टा बुन लिया, धागे को हम यहाँ पे पीछे कर लेंगे। ये देखिए उल्टे फंदे तीन नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने उसी लूप में सिलाई डालते हुए यहाँ से इस तरह से लूप को उठा लेना है, उसी तरह से उस उल्टे फंदे के आगे रख लेना है और फिर उसी तरीके से इन दोनों फंदों को साथ में बुन लेना है ऐसे को। तो यहाँ पे देखिए हमने दो लूप्स बना लिए हैं। यह पहली फर्स्ट रो पे जो हमने लूप बनाया था वो छोटा बनेगा, सेकंड पे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये हम इस तरह से लूप्स को जो हैं वो बनाएंगे। अब उसके आगे जो है दो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, एक दो, एक फंदा सीधा है, फिर सारे के सारे पांच फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। ये इस तरह से रो थर्ड हम कंप्लीट करेंगे। रो थर्ड के बाद रो फोर, एक फंदा स्लिप किया, चार हमने सीधे बनाए, सिर्फ बीच का एक फंदा उल्टा बनाना है और कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे फंदे हमने बाकी सीधे बनाने हैं। ये ऐसे चार रोज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं रो फाइव पे, फ्रंट साइड पे दो साइड के फंदे बना लिए, स्लिप किया एक उल्टा बुना, धागे को कर लेंगे यहाँ पीछे। अब फिर से उसी जगह से जहाँ से हमने ये दो लूप्स उठाए हैं वहीं पे हम सिलाई को डाल के जो है इस तरह से एक और लूप उठाएंगे। ये लूप जो है हमारा बाकी दो लूप्स से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये हम इस तरह से फिर इन दोनों को फिर से साथ में बुन देंगे, ये उल्टा फंदा जो है और ये लूप वाला फंदा जो है वो हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे को। ये देखिए हमारे तीन लूप्स इस तरह से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो दो जो दो उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं उन्हें हमने उल्टा बुनना है, एक सीधा है, यहाँ पे बाकी सारे फंदे उल्टे हैं। ये रो फाइव हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम रो सिक्स बनाएंगे उसी तरह से जैसे हमने सारी रो टू और रो फोर बनाई है, उसी तरह से रो सिक्स बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंदा उल्टा बनेगा, बाकी सारे के सारे सीधे बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे हमारे जो है छः रोज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। और हमारे छः रोज़ में देखिए हमारा ये जो है डिज़ाइन जो है एक तरफ का पड़ चुका है, ये आधा डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे सेवन्थ रो पे देखिए दूसरी साइड डिज़ाइन डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, देखिए दो फंदे ये साइड वाले उल्टे बनाए, दो साइड वाले उल्टे बनाने के बाद ये तीनों हमने यहाँ पे अब हमने कुछ नहीं करना है, इन फंदों को उल्टे बनाते जाना है। तो ये हमने अब इस बार पांच फंदे जो हैं इस साइड उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए अब ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, सॉरी सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद तीन फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे को, फिर धागे को कर लेंगे पीछे। अब हमें इस साइड को डिज़ाइन डालना है तो हमने पहले इन फंदों को बना लिया है। अब हम थर्ड लूप से लूप उठाएंगे, वन टू थ्री। यहाँ पे हमारा जो है ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे तो ये देखिए वन टू थ्री जो ये है यहाँ पे, यहाँ से हम लूप उठाएंगे, लेफ्ट सिलाई से भी उठा सकते हैं जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे उठा रही हूँ ऐसे को, और राइट सिलाई से भी उठा सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से उठा के यहाँ पे रख लिया। अब इन दोनों को हम इस सिलाई पर लेंगे और फिर अब राइट सिलाई से अब इन दोनों को हमने इस तरह से साथ में बना लिया। ये देखिए लास्ट के दो फंदे हमने अब उल्टे बना लिए हैं। अब हम रो एट को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस साइड कंफ्यूज नहीं होना है, ये उल्टा नज़र आ रहा है लेकिन हमने इन्हें सीधा बनाना है, उल्टा सिर्फ हमने बीच का फंदा बनाना है जो नीचे से ही उल्टा चला आ रहा है बैक साइड पे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे हमने आठ रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए आठ रोज के बाद रो नाइन साइड के यहाँ के पांच फंदे उल्टे बना लिए हमने। अब बीच का ये फंदा जो है हमने सीधा बनाया। अब हम तीन फंदे उल्टे और बनाएंगे। अब धागे को कर लेंगे हम पीछे।
अब यहाँ पे उसी जगह से देखिए लूप उठाएंगे हम, जहाँ से हमने पहला लूप उठाया। और देखिए धागे को हम सिर्फ ऐसे सामने रखेंगे सिलाई के, और ये हम इस तरह से आराम से हल्के हाथ से खींच लेंगे ऐसे। अब इस लूप को इस तरह से रखा हमने। अब इन दोनों फंदों को, लूप वाले फंदे और उल्टे फंदे को हमने लिया लेफ्ट सिलाई पे, और राइट सिलाई की हेल्प से हमने इन दोनों को इस तरह से सिलाई डालते हुए साथ में बुन लेना है। इस तरह से हमारा दूसरा लूप बन गया है। देखिए अब साइड के दो फंदे उल्टे ऐसे। अब 10th रो बैक साइड की सिलाई, ये ऐसे, सॉरी यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसे हमने सीधा ही बनाना है। उल्टा सिर्फ एक ही हमारा फंदा जो हमें नीचे से चला आ रहा है और दिखाई दे रहा है उसी को ही उल्टा बनाना, बाकी सारे सीधे ही बनाने हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखिए अब हम आते हैं रो 11 पे, लास्ट सीधी पैटर्न की सीधी सिलाई पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो लूप्स बन चुके हैं, तीसरा बनाना है। पहला फंदा स्लिप किया, ये दूसरा बुना, ये साइड के दो फंदे हैं, ये तीन फंदे और हमने उल्टे बुने, ये बीच का एक फंदा बुना, और ये तीन फंदे हम उल्टे इसके आगे और बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए आप इसी सिलाई से यहाँ से लूप उठा सकते हैं और इस सिलाई से भी उठा सकते हैं। इस तरह से वहीं पे डालेंगे सिलाई, धागे को इस तरह से सिर्फ आगे रखना है। तो फिर हम लेफ्ट सिलाई से आराम से इस तरह से लूप उठा कर सकते हैं, और लूप उठाने के बाद हम इसे रखेंगे इस उल्टे फंदे के साथ, और फिर लेफ्ट सिलाई की हेल्प से इस तरह से वापस लेंगे लेफ्ट सिलाई पे, और राइट सिलाई से इस तरह से हम इन दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब लास्ट में दो फंदे उल्टे हैं। अब 12th रो बैक साइड देखिए, सेम वैसे ही सीधे फंदे पांच, बीच का सिर्फ एक फंदा उल्टा, और ये साइड के पांच सीधे फंदे हम बना लेंगे। और इस तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है, इसी तरह से सात नौ फंदों को रिपीट करते करते। और ये देखिए 12 सिलाइयों के बाद, दो फाउंडेशन रो बनाने के बाद 12 सिलाइयाँ जो है पैटर्न की बनाने के बाद, हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। तो अब हम इन्हीं रोज को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दो बार तीन बार बनाया हुआ है, एक बार बनाने के बाद एक बार पूरा रिपीट किया हुआ है, फिर उसके बाद हाफ सिक्स रोज का ही बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।